रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं MSO A&E वॉल्यूम 1 चैप्टर 8। और ये जो चैप्टर 8 है ये पीसी 16 और 21 दोनों में काम आएगा। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था 8.9 तक और आज हम लोग मूव करेंगे 8.10 से। कल हम लोगों ने इसको देखा था कि PW ऑफिसेस में, PW का मतलब स्टेट PWD, क्योंकि हमने देखा था कि MSO A&E जो है वो AG ऑफिस के बारे में है और AG ऑफिस को स्टेट PWD अकाउंट रेंडर करता है। तो स्टेट PWD का डिवीजन में क्या फंक्शन है, किस तरीके से डिविजनल अकाउंटेंट अकाउंट्स के मैटर में अपना रोल प्ले करते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट के ऊपर फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि A&E के द्वारा DA की पोस्टिंग की जाती है, मतलब DA का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो A&E यानी AG साहब ही है हमारे। ठीक है, जैसे कि CPWD में DA का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? CCA है। बिल्कुल सही। उसी तरीके से स्टेट PWD में DA कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो AG A&E है। A&E लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई लोग ऑडिट ना समझ लें। ठीक है, तो इसी वजह से इस वाले चैप्टर में डिविजनल अकाउंटेंट के रोल के ऊपर में ज्यादा फोकस किया गया है, डिविजनल ऑफिसर के रोल के ऊपर में कम बात की गई है, लगभग न के बराबर। ठीक है, तो हम लोग आज 8.10 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पढ़िए कोई 8.10। The divisional accountant's responsibility extends also to the examination of all claims included in bills presented direct at treasuries by the divisional officer. He should see that the service books and the leave accounts of the subordinates are maintained in accordance with rules and that the admissibility of leave applied for by subordinates is verified before the competent authority decides upon their leave application. In all cases of doubt, however, he should advise the divisional officer to consult AG. Note padhiye. The state government of Maharashtra have absolved the divisional accountant of the above responsibility. ठीक है, अभी यहीं तक रुकिए। कोई मुझे बताएगा कि 1900 ना गुजरात का जो निर्माण हुआ, गुजरात कब बना? 1961 है क्या सर? किसने बोला? आपको सब लोग एलकेजी बोलते हैं तो मुझे यूकेजी की याद आती है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1961 से पहले गुजरात था ही नहीं। अगर गुजरात नहीं था तो क्या था? सौराष्ट्र था। नहीं नहीं, बॉम्बे, मुंबई, बॉम्बे वाला था। मुंबई, मुंबई था, मुंबई भी नहीं था, बॉम्बे स्टेट का नाम बॉम्बे था। ठीक है, 1961 में दोनों अलग अलग बना, तब बॉम्बे नाम खत्म करके स्टेट का नाम महाराष्ट्र किया। ठीक है, क्योंकि ये मराठी भाषा पर है और ये का नाम गुजराती भाषा पर किया, गुजरात। ठीक है, ये ए है, कई बार हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो ए नहीं लिखते हैं, पर ये ए है। ठीक है ना, ये जो महाराष्ट्र है ना, इसने क्या किया है कि अपना एस्टेब्लिशमेंट का जो अकाउंटिंग होता है ना, ठीक है, उससे डिविजनल अकाउंटेंट खत्म कर दिया, मतलब हटा दिया है, DA नो रोल टू प्ले। तो जब हम गुजरात में थे ना, तब क्योंकि हमने ज्वाइन ही वहीं पर किया था, तो हम केवल वर्क्स के बारे में देखते थे। एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी बिल DA के पास साइन होने के लिए नहीं आता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साइन करता था और आराम से दौड़ते दौड़ते उसकी सैलरी वगैरह का पेमेंट हो जाती थी। जब हमने म्यूचुअल कराए और झारखंड आए, हमने देखा कि यार सैलरी वाले बिल में भी साइन करवा रहे हैं, हमें बहुत आश्चर्य लगा कि यार ये तब कुछ जानते मानते नहीं है, हालांकि तब हमने नहीं पढ़ा था, तो हमें लगा कि वही मूर्ख है। लेकिन नहीं, बाद में जब हमने पढ़ा तो समझ में आया कि कुछ राज्य, इसमें केवल महाराष्ट्र लिखा है, लेकिन जब ये प्रिंट हुआ था तब केवल महाराष्ट्र था, बाद में महाराष्ट्र के इस प्रैक्टिस को गुजरात ने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो अब गुजरात में भी है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात
दोनों स्टेट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा डीए एस्टेब्लिशमेंट की किसी भी बिल पे साइन करता हो, अदर देन महाराष्ट्र एंड गुजरात, जहां जहां डिविजनल अकाउंटेंट का कैडर है 8.10 लागू पड़ता है। ठीक है, 8.10 कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल इतना ही कह रहा है कि द डिविजनल अकाउंटेंट रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड्स आल्सो टू द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल क्लेम इंक्लूडेड इन द बिल्स, ठीक है, प्रेजेंटेड डायरेक्ट एट ट्रेजरी बाय द डिविजनल ऑफिसर। यहां जब ऑल क्लेम्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा है ऑल क्लेम्स रिलेटेड टू वर्क, मतलब वर्क का भी क्लेम और एस्टेब्लिशमेंट का भी क्लेम, समझे, ऑल क्लेम्स की बात हो रही है, जो भी ट्रेजरी के पास प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए बाय डिविजनल ऑफिसर। यू शुड सी दैट द सर्विस बुक्स एंड लीव अकाउंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट आर मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल। तो सर्विस बुक एसबी और लीव अकाउंट यानी एलए दोनों जो है रूल के हिसाब से मेंटेन किया जाए, ये महाराष्ट्र गुजरात में हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाकी स्टेट में देखते हैं। राइट, दैट द एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव अप्लाइड फॉर बाय सबऑर्डिनेट इज वेरीफाइड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड अपॉन देयर लीव एप्लीकेशन। मस्त बात मैं आपको बतलाता हूँ, देखिएगा ऐसा होता नहीं है लेकिन होना चाहिए। हम यहाँ सेक्शन में है, सेक्शन में हमारा टेबल यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे फिर चैम्बर बने हुए हैं, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, ये टेबल है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेयर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेक्शन है, यहाँ हमारे बीओ बैठते हैं, ब्रांच ऑफिसर। यहाँ से अगर कोई एक आदमी नंबर वन ईएल के लिए अप्लाई करता है तो ईएल का एप्लीकेशन लेके आता है, तो हम क्या करते हैं, वो मेरे पास आता है तो हम उसमें लिखते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को, EWO establishment kindly provide admissibility of leave applied for, ऐसा हम लिखते हैं और हम लिख के साइन कर देते हैं। उसके बाद में ये जो लीव एप्लीकेशन है वो जाता है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, और वहां का डबल ओ, क्योंकि सारे स्टाफ का सर्विस बुक एसबी यही मेंटेन होता है एस्टेब्लिशमेंट में, तो सर्विस बुक में दिखा करके फिर वहां पर प्रॉपर एंट्री करवा करके ये एडमिसिबिलिटी लिख करके देता है कि इतना लीव इसका शेष बचा हुआ है, मतलब अगर 12 लीव अप्लाई किया है तो 12 लीव कंज्यूम कर लेने के बाद में 152 लीव इसका और रिमेनिंग बचा हुआ है, और जब वो यहाँ पे आता है तब हम रिकमेंडेड पर अप्रूवल करते हैं, फिर यहाँ पे जाता है बीओ के पास में और अप्रूव हो जाता है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये डिवीजन में डीए के अंडर में होना चाहिए, यही कहने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए कि कोई सब डिवीजन है, सब डिवीजन का कोई स्टाफ है, ये जो सेक्शन नहीं है, अब ये क्या है, ये सब डिवीजन है, ठीक है, सब डिवीजन का कोई स्टाफ है, सब डिवीजन का कोई स्टाफ है, उसने एसडीओ के पास में, सब डिविजनल ऑफिसर के पास में एक ईएल अप्लाई किया है, तो सब डिविजनल ऑफिसर जो है हमें एस्टेब्लिशमेंट सॉरी हम जो है ये अकाउंट ब्रांच हो जाएंगे ना हम वहां पर, हम तो डिवीजन में क्या है अकाउंट ब्रांच, ठीक है, अकाउंट ब्रांच के डीए को इसी तरीके से डब्ल्यू नहीं लिखेगा, वो लिखेगा डीए, ठीक है, अकाउंट ब्रांच, और अकाउंट ब्रांच लिख के क्या लिखेगा, लिखेगा काइंडली प्रोवाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव अप्लाइड फॉर, ठीक है, और जब हमारे पास में आवेगा तब हम सर्विस बुक निकलवाएंगे, एसबी निकालो जी, एंट्री करो सर्विस बुक में, ठीक है, और सर्विस बुक में एंट्री करने के बाद में हम उसमें अपनी सिग्नेचर करके वापस देंगे एसडीओ को, फिर एसडीओ उसको बीओ के पास में भेजेगा, बीओ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविजनल ऑफिसर होगा ना, तो डिविजनल ऑफिसर के पास भेजेगा, तब जाकर इसका लीव मंजूर होगा, लेकिन ये कहीं प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है जबकि इसको होना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डिविजनल अकाउंटेंट बोका है, हम खुद भी थे, हम अपने आप को बोका कहने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते, पढ़ना चाहिए, ठीक है, वही कहने की कोशिश की जा रही है। राइट, अकॉर्डिंग विद रूल, तो सबऑर्डिनेट जो होता है, और ये केवल सब डिविजन में नहीं होगा, अपने डिविजन में भी जो स्टाफ है उनके लिए भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर वो अप्लाई करते हैं अकाउंट ब्रांच में डीए के पास में आना चाहिए एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव के लिए। ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव जो अप्लाई किया गया है वो अकॉर्डिंग विद रूल होना चाहिए एंड इज वेरीफाइड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड्स अपॉन, ठीक है, वो वेरीफाई किया जाना चाहिए डिविजनल अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है,
अपॉन देयर लीव एप्लीकेशन इन ऑल केसेस ऑफ डाउट, अगर डिविजनल अकाउंटेंट को या डिविजनल ऑफिसर को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो डिविजनल अकाउंटेंट को कोई भी डाउट है तो वो एडवाइस करेगा डिविजनल ऑफिसर को या पीजी को कंसल्ट कीजिए। किसके मामले में? लीव के मामले में भी। आपको बता दिया महाराष्ट्र में भी नहीं, गुजरात में भी नहीं है। आगे, the divisional accountant must also conduct detailed check of muster roll and petty vouchers which are not submitted to the accountant general office। इसमें petty voucher के मामले में जो एक है वो है कि ये शायद 100 रुपया है या 1000 रुपया, 1000 रुपए से कम। भाई आपने पढ़ा होगा इसमें CPWA कोड में, समझे कि नहीं, 1000 रुपए से कम का अगर कोई वाउचर है तो उसको एडी ऑफिस में सबमिट नहीं किया जाता है। ये 1000 है कि 100 है, जरा हमको बताइए। तो उसको भी वो चेक करेगा, उसको पेटी वाउचर कहा जाता है, ठीक है, और मास्टर रोल को भी चेक करेगा। तो ये डिविजनल अकाउंटेंट की चेकिंग है। अब आप समझ गए ना कि एस्टैब्लिशमेंट के मामले में एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव का क्या मामला बनता है। जब आप लोग डबल ओ बनिएगा आप लोगों को भी यही चीज करना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। चलिए आगे 8.11.1, द डिविजनल अकाउंटेंट इज रिस्पांसिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ चेकिंग द कंप्यूटेड टेंडर। ये जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझे, कंप्यूटेड टेंडर। किसने कहा कि कंप्यूटेड टेंडर माने क्या होता है, ठीक है, तो कंप्यूटेड टेंडर का मतलब यही होता है भाई साहब कि आपका उसमें जो टेंडर है, तो टेंडर जब आप निकालते हैं ना तो उसमें जो मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको L1 L2 लिखते हैं कि नहीं, L3 L4, ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या चेक करते हैं, जो टेंडर कॉपी भर के भेजता है, टेंडर फॉर्म, ठीक है, हम क्या क्या चेक करते हैं आपको बता दूं। अगर बड़ा टेंडर है हम उन्होंने बड़ा सी समझेंगे तो एक चेक करते हैं बिड कैपेसिटी, ठीक है, टेक्निकल कैपेसिटी। कैसे चेक होता है, आपका मैटर फिलहाल नहीं है, समझने जैसा है कि ये तीन तरह की चीजें हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो सवाल ये है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी होगा तो वहां रुपया चेक करना है कि किस क्वांटिटी के अमाउंट के सामने में उसने कितना रुपया भरा है और उसका टोटल क्या होता है, समझे कि नहीं। तो ये जो चेकिंग होता है ना फाइनेंशियल कैपेसिटी, ये अरिथमेटिकली चेक किया जाता है, अरिथमेटिकली माने अरिथमेटिकली का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कैलकुलेशन चेक किया जाता है, ठीक है। और ये टेक्निकल कैपेसिटी है ना, टेक्निकल कैपेसिटी ये देखा जाता है कि ये टेक्निकली साउंड है कि नहीं है। टेक्निकली साउंड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने बिड के माने टेंडर में पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इसके पास में डिग्री होल्डर 2 इंजीनियर होने चाहिए, 2 इंजीनियर डिग्री, ठीक है, और 3 इंजीनियर डिप्लोमा। मने कौन, अब सरकारी नहीं प्राइवेट, ये कोई कंपनी ना जी, अब बहुत बड़ा काम कर रही है, समझे, तो ठेकेदार अपने इंजीनियर थोड़ी है, जरूरी नहीं है ना, अपने अंदर में वो इंजीनियर को एम्प्लॉय करता है, तो हमने ये ऐसा लिख रखा है कि 2 इंजीनियर डिग्री होल्डर होना चाहिए, 3 इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, उसके पास में अपना इतना इतना मशीन होना चाहिए, उसके पास में इतने सालों का अनुभव होना चाहिए, इतना ज्यादा उसका काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझे। और बिल्ड कैपेसिटी ही इस बात को डिफाइन करता है कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला में कैसे निकाला जाता है कि पिछले पांच साल, ठीक है, साल के काम का औसत निकाला जाता है, ठीक है, और इसका निकालने का भी तरीका है, वो हम तरीका बाद में बताएंगे। ये बिड कैपेसिटी निकाल देते, ये इतना तरह का जो आप कैलकुलेशन करते हैं इसी को बोलते हैं कंप्यूटर, समझिए। केवल कैलकुलेशन होगा तो खाली फाइनेंशियल कैपेसिटी होगा, कंप्यूटेड का मतलब बिड कैपेसिटी, टेक्निकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, इतना तरह का कैलकुलेशन है कि रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप देखना पड़ता है आप लोगों को, इसी को बोलते हैं कंप्यूटेड टेंडर, ठीक है, मामला समझे कि नहीं? यस सर। है? हाँ सर। आप ये मत समझने लगे कि बिड कैपेसिटी क्या होता है। हाँ बोलिए। हेलो, फाइनली कंक्लूजन बता दीजिए सर, कंप्यूटर क्या क्या चेक करना होता है, ये तो तीन को बता दिया आपको, कैसे निकलता है सारी चीज चेक करेंगे उसके लिए अलग क्लास लेंगे, वो भी नहीं
आप लोगों को फिलहाल क्या समझना है कि कंप्यूटेड माने क्या होता है? कंप्यूटेड माने खाली कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है? नाउ डिविजनल अकाउंटेंट अरेंजमेंट करना पड़ता है कंप्यूटेड टेंडर की चेकिंग के लिए, समझे? तो उसके पास में अकाउंट्स ब्रांच में जरूरी नहीं कि उतने स्टाफ हो, उस समय सब डिविजनल स्टाफ को भी बुलवा लेते हैं, चलो आ जाओ भाई बहुत सारा टेंडर गिर गया है, बहुत सारा पेपर है तो चेक करना है। कंप्यूटेड टेंडर को चेक करने के लिए हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है? फॉर सीइंग दैट सैटिस्फैक्टरी एंड एफिशिएंट अरेंजमेंट आर मेड फॉर चेकिंग। तो डिविजनल अकाउंटेंट के लिए 8.11.1 कहता है अरेंजमेंट। 8.11.1 क्या कहता है? अरेंजमेंट, वो अरेंज करता है, ठीक है, फॉर चेकिंग। किसका आप समझ गए? कंप्यूटर टेंडर का, ठीक है। 11.2 क्या कहता है? 11.2 कहता है ही शुड कंडक्ट पर्सनली अ टेस्ट चेक, माने 100% चेकिंग में पर्सनली टेस्ट चेक। और टेस्ट चेक कैसे होता है आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? टेस्ट चेक सर इतना डिटेल में नहीं होता है, कुछ सिलेक्टेड उसमें रहता है। वो आप लोगों ने PC2 पढ़ा है ना? PC2 में सैंपलिंग पढ़ा है? सैंपलिंग, यस सर, सैंपलिंग। वही वही सैंपलिंग, सैंपलिंग करते हैं और उसके बाद उसको ऑडिट करते हैं, उसी को टेस्ट चेक कहा जाता है, ठीक है? अरेंजमेंट करना चेकिंग का, पर्सनली चेक करेगा तो टेस्ट चेक करेगा, नॉट 100%, ठीक है? 100% अंडर हिज सुपरविजन लिखा हुआ है, समझ गए? He should see that the comparative statement correctly incorporate the total checked on the individual tender. यहाँ जो तीसरा वर्ड है ना वो है comparative statement, जिसको हम लोग popularly CS बोलते हैं, समझे? और ये बहुत ही गजब का चीज होता है, मतलब इसमें तो खाली एक पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन इसके लिए इतने लेटर लिखे जाते हैं, समझे कि नहीं? इतना ज्यादा झगड़ा चलता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिविजनल अकाउंटेंट के बीच में इस CS को लेकर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसको आप चीफ सेक्रेटरी मत समझ लीजिएगा, ठीक है? ये सीएस कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए सबसे झगड़ा चलता है, कहाँ चलता है सुन लीजिए, ठीक है? L1, L2, L3, L4, ठीक है? ये चार ठेकेदार हैं, चारों ने अपना टेंडर भरा, राइट? इसमें से अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी देखा जाए तो L1 देखा जाएगा, जो लोवेस्ट वन है, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई झंझट है नहीं। 100 रुपये का एस्टिमेट है, ठीक है? एक ने भरा 96, एक ने भरा 97, एक ने भरा 98, एक ने भरा 99, ठीक है? तो अगर आप केवल फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखें, फाइनेंशियल कैपेसिटी को, ठीक है, तो जो L1 है 96 उसको काम दे देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई झंझट नहीं, दे दिए काम, क्या झंझट है? नहीं झंझटता है, 97 भर दे, समझे कि नहीं? अब L1 कोई है ही नहीं, अब काम आप एक ही को दे सकते हैं, समझे कि नहीं? वैसी स्थिति में बिल्ड कैपेसिटी है और आपका दूसरा कैपेसिटी जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसके हिसाब से दोनों में ज्यादा जो एक्सपीरियंस होगा हम उसको काम देंगे, या जिसके पास में ज्यादा 6 इंजीनियर्स होंगे उसको काम देंगे। इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि SBD स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में रहता है, इसको आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, हम खाली आपको बता रहे हैं मोटा मोटी, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, समझे कि नहीं, जिसमें आपका ऐसा L1 जैसे यहाँ रहता है, क्या हमको बताते हैं, सुन लीजिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ऊपर जो कॉलम्स होते हैं ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 1, कॉन्ट्रैक्टर 2, कॉन्ट्रैक्टर 3, कॉन्ट्रैक्टर 4, इस तरीके से, और यहाँ पे आइटम, मान लो पेन, ठीक है, पेन है, राइट? तो यहाँ पे 10 रुपया, 9 रुपया, 11 रुपया, 8 रुपया, इस तरीके से रेट भरा जाता है, समझे? इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉलम में रखा जाता है और आइटम को रोज में रखा जाता है, ठीक है? यहाँ पे पेन ये हो गया सप्लाई, इसी तरीके से वर्क का भी बनता है, समझे? 2 रुपया, 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1.75 रुपया, समझे कि नहीं? इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है ना, सबसे लास्ट में झंझट है, इसको जब लिखने के लिए कंप्यूटेड इसी तरीके से बनता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो सबसे लास्ट में रिकमेंडेशन देना होता है। अब CPWA में तो नहीं लिखा हुआ है कि डिविजनल अकाउंटेंट क्या रिकमेंडेशन देगा, लेकिन CPWD कोड में लिखा हुआ है, CPWD कोड में, समझे?
अगर किसी के पास सीपीडब्ल्यूडी कोड है, मैनुअल नहीं, ये जो नया वाला मैनुअल आया उसमें नहीं लिखा हुआ है, उसमें अलग से लिख दिया गया है एसओपी, एसओपी में उसके लिए बना दिया गया है जहाँ पे क्या सर्टिफिकेट देगा वो लिखा गया, तो मेन बुक में नहीं है। दरअसल बुक को कंसाइज और छोटा करने के लिए ये किया गया है। खैर, जो पुरानी किताब है सीपीडब्ल्यूडी उसमें लिखा गया है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में डिविजनल अकाउंटेंट क्या लिखेगा, समझे? तो उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि डिविजनल अकाउंटेंट किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में या अनफेवर में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देगा, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहता है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में डिविजनल अकाउंटेंट रिकमेंड करे, या सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ऐसा चाहता है। जब डिविजनल अकाउंटेंट अड़ जाता है कि नहीं हम तो जो कोड में लिखा हुआ उतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे, समझे, तो लगे झगड़ा चालू। समझ गए? अब कहिए इसका करने का जरूरत क्या है भाई? जरूरत ये है कि अगर रीजनल अकाउंटेंट लिख देगा और बाद में किसी भी तरह का इंक्वायरी होगा तो रीजनल अकाउंटेंट के माथा पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मार देगा ना, वही तो रिकमेंड किया था, हम क्या करें, फाइनेंशियल मैटर पे वही बॉस है। समझ गए कि नहीं समझे? लगता है कि मेरी आवाज आप लोग तक जान ही रही है। नहीं सर, आ रही है सर, आ रही है ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया लोगों को? जैसा समझ में आ गया ठीक है। हाँ सर, चलिए अब 8.12 कहता है कि डिविजनल अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू सी दैट रूल्स एंड ऑर्डर्स इन फोर्स आर ऑब्जर्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ डिवीजन, ऑल ट्रांजैक्शंस के लिए रूल और रेगुलेशंस को वो अमल में लाए। यही वो मामला है कि डिविजनल अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फोर्स करे, इनफोर्स करे, बिसाइड्स कि उसके पास में कोई पावर नहीं है कि वो लोग डिविजनल ऑफिसर को रिकमेंड कर सकता है। डिविजनल ऑफिसर चाहे तो उसको ओवर रूल कर सकता है, ऐसे में वो एक ब्रीफ नोट बनाएगा जिसको कि डिविजनल अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्शंस का फॉर्म नंबर 23 कहा गया है, जबकि यही आपने सीपीडब्ल्यूए कोड में पढ़ा होगा तो वो फॉर्म 60 है। ठीक है, ये जो आप फॉर्म 23 देख रहे हैं ना वो एमएसओ फॉर्म है, एमएसओ फॉर्म ठीक है, और ये पीडब्ल्यू फॉर्म अलग होता है। पीडब्ल्यूए फॉर्म है ऑब्जेक्शन का, क्या कोई मुझे बताएगा? वो भी 23 है। हां 23 है, नहीं है किसी भी हाल में नहीं, क्या बोले आप लोग? इसमें नहीं है सर ऑब्जेक्शन बुक। हाँ, इसमें है ही नहीं, समझे कि नहीं, इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ ये मामला आप लोगों को समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ये जो आपका इसमें फॉर्म दिया गया है वो एमएसओ फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए इसको कहीं अलग से खोजने की जरूरत नहीं है कि पीडब्ल्यूए फॉर्म नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यहाँ आप मामला समझ में आ गया 8.13। अच्छा, अगर डिविजनल अकाउंटेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया है डी ए ऑब्जेक्शन बुक, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्शन को अगर ओवर रूल कर दिया गया है किसके द्वारा? डिविजनल ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, तो वो क्लोज नहीं हो जाता है डीए का अपना ऑब्जेक्शन बुक जब तक एजी साहब एक बार उसको ना देख लें, चेक ना कर लें और उसको स्क्रूटनी ना कर लें, तब तक वो क्लोज नहीं होगा। इस तरीके से डिविजनल अकाउंटेंट के ऑब्जेक्शन बुक को फ्रीक्वेंटली या रेंडमली भेजा जाना चाहिए या एजी के द्वारा उसको चेक किया जाना चाहिए। अगर इन बिटवीन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डीए ऑब्जेक्शन बुक हैज नॉट बीन चेक्ड बाय एजी, ये यहां नहीं लिखा हुआ, ये सीपीडब्ल्यूए में लिखा हुआ है, then in the month of April, divisional accountant should send the same book to the AG office for the purpose. Clear? किसी को याद आ रहा है इस तरह से कुछ लिखा हुआ था CPWA कोड में? Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. April month में swap show किया। लिखा हुआ था ना? आप PO के द्वारा चेक किया जाता था। क्या बोल रहे हैं? AG के द्वारा नहीं किया जाता है। हाँ? वहाँ PO का नाम आया। हाँ वही। वही सर, वहाँ पे ये था कि अगर कोई ओवर रूल करता है तो वो उसके ऑर्डर्स को तो मानेगा लेकिन वो 60 में उसको लिख देगा और पे एन अकाउंट ऑफिसर के द्वारा चेक होगा। वो वही यहाँ में लिखा हुआ है, सेम टू सेम, जहाँ पाओ है वहाँ पर इसमें लिख दिया गया है एजी, एजी का है ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
क्लियर। चलिए 8.13 जो कि सब डिविजनल अकाउंटेंट को, सब डिविजनल अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा डिविजनल अकाउंटेंट, ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन का कुछ रिजल्ट भी तो आएगा, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटेंट वाउचर रिसीव्ड फ्रॉम सब डिविजनल ऑफिसर टू बी इंटीमेटेड टू देम इन ऑल केसेस इन व्हिच इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको वहां के अकाउंट्स को यानी सब डिविजनल ऑफिसर के अकाउंट को देखने के बाद में कुछ और जानकारी चाहिए तो हम उनसे मांग सकते, वो मना नहीं कर सकते। यही तो वो समस्या है। समस्या क्या जानते हैं कि आप डीए हैं, बैठते हैं कहां डिवीजन में, ठीक है, और आपका बॉस कौन है, डीओ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मत बात बताने वाले डीओ है, ठीक है, यहाँ पे एसडीओ है, ठीक है। जब तक एसडीओ एसडीओ है तब तक आप उसकी मम्मी है, ठीक है, और डीओ उसके पापा है, समझेगा कि नहीं। अब क्या हुआ, इसका प्रमोशन हो गया, अब एसडीओ बन गया डीओ, समझे। आप अभी भी मम्मी की मम्मी ही है, अब वो अब आपका हस्बैंड बन गया, समझे कि नहीं। बहुत बड़ी समस्या, और फिर यही प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बहुत है सर। हाँ, यही एसडीओ डीओ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एसी, और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, और इतना सारा काम करना है। हाँ, अब पहले ये आपका बेटा था, फिर आपका हस्बैंड बन गया, अभी आपका ससुर बन गया, इसका प्रमोशन हो रहा है, आप वहीं के वहीं हैं। ये का प्रमोशन सर होता है, गजब होता है, देखिए ना बताते हैं आपको कैसे होता है। तो ये पहले था डीए, समझे, अब उसका नाम बदल गया, हो गया है डीए हो टू, ठीक है। बहुत खुश, वाह वाह, एकदम कांग्रेचुलेशन, चारों तरफ से बधाइयां मिल रही है, ठीक है। काम में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। उसके बाद में फिर इसकी प्रमोशन हुई और बन गया डीओ वन, और फिर का प्रमोशन हुआ, बन गया सीनियर डीओ, और मजेदार बात यह है कि सीनियर डीओ आज क्लास वन हो गया है, नहीं आज अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए भाई, आप वहीं के वहीं हैं डिविजनल ऑफिसर के नीचे, समझ रहे हैं। नाम बदलने का काम तो वही रहेगा सर। इसका मतलब आपको बताता हूँ, देखिए ये है जड़ और ये है पेड़, समझे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है ना वो पेड़ है, ये क्या है, जड़ है, ठीक है। जड़ भी नहीं कह सकते हैं, मतलब कि इसका जो ग्रोथ होता है ना अपवर्ड होता है, वर्टिकल ग्रोथ, और इसका जो ग्रोथ होता है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, समझे कि नहीं। ये हमेशा आपको जमीन पर ही पड़ा मिल जाएगा, हालांकि आज जहां था कल वहां नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जमीन पर मिलेगा, वर्टिकल है, समझे, और ये ग्रोथ वर्टिकल है, आज इस ऑफिस में, कल उस ऑफिस में, परसों उस ऑफिस में, ठीक है सर। आप जब डबल ए बनिएगा, सीनियर बन जाइए, डीजी बन जाइए, आपका नेचर ऑफ वर्क बदलता है कि नहीं बदलता है, या लाइफ टाइम नेचर ऑफ वर्क नहीं बदलता है, कभी नहीं, ठीक है सर। तब डिविजनल अकाउंटेंट कभी भी डिविजनल ऑफिसर नहीं बन सकता, कभी नहीं, नेवर। पहले उनको लगता था, इसको कई बार हम लोगों ने कहा भी, अब ये और मजेदार बात है, समझे, कई बार हम लोगों ने कहा भी इसको प्रमोशन दे दिया जाए और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का ऑफिस बिठा दिया जाए, माने हमने क्या कहा था, हां ये था ना, हमने कहा ना कि ये तो थोड़ा गड़बड़ मामला है, ऐसा किया जाए कि डीओ ऑफिस में डीए कर दिया जाए, समझे, यहां डीओ 2 कर दिया जाए, समझे, यहां डीओ 1 कर दिया जाए, और चीफ इंजीनियर के ऑफिस में सीनियर डीओ भी है, समझे कि नहीं। जानते सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, इन्हीं लोगों ने, पूछिए का है, यहाँ रहेगा पीछे काटता रहेगा लाइफ टाइम ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सर सर बस यहाँ जैसे ऊपर उठेगा चेक काटने का पावर खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, चेक करने, यस सर, चेक कर। इसीलिए इस तरह के प्रपोजल को हम लोग सीधे से नकारते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में इसको पढ़ाना ही नहीं चाहते इसको आगे, भैया मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, समझ कह नहीं रहे, अपलोड कर देंगे सारा, डिविजनल अकाउंटेंट लोग आया करने लग जाते हैं। चलिए आगे, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 8.13 देखा, राइट, दे में डायरेक्ट टू करेक्ट द रिलेवेंट रिकॉर्ड, अच्छा, हम उनसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं और उनको फर्दर चेक कर सकते हैं, चेक कर लेने के बाद में अगर हमें कोई गड़बड़ लगी तो हमें कहेंगे भाई रिकॉर्ड को करेक्ट करो। ऐसी स्थिति में जब हम डिविजनल ऑफिस में है ना, समझे कि नहीं, तब डिविजनल ऑफिसर जो होता है ना, इतना सर सर बोलते हुए यहाँ पहुंचेगा ना कि लगेगा कि जैसे बाप रे बाप, हम तो कहाँ के राजा हैं, समझे,
इसीलिए हम इसे बदसलूकी नहीं कर सकते हैं, वरना कल को ये हमारा राजा बन जाएगा। ठीक है, खैर हम इसे अकाउंट मैटर में मांग सकते हैं, जो भी जानकारी इसके पास में नहीं है हम और जानकारी मांगेंगे। ठीक है, दे मे बी डायरेक्ट टू करेक्ट द रिलेवेंट रिकॉर्ड ऑफ देयर ऑफिसर्स टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ एनी इररेगुलरिटी। द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिविजनल ऑफिसर। क्लियर, द रिकॉर्ड कनेक्टेड विद द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी रिटेन्ड सो एज टू बी अवेलेबल टू द अकाउंटेंट जनरल इंस्पेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यानी डीए ने एसडीओ के ऑफिस में जो भी अकाउंट्स के बुक को रजिस्टर को इंस्पेक्ट किया है और जो भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन सारा ऑब्जेक्शन का जो डिटेल है वो एजी ऑफिस के स्टाफ के इंस्पेक्शन के लिए हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्शन लगाया उसमें सेटल किया फिर हमने फाल के फेंक दिया, जाने दो तुम टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ 8.14 द डिविजनल अकाउंटेंट इज फर्दर रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट पीरियडिकली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ डिविजनल ऑफिसर। वो पीरियडिकली इंस्पेक्ट करेगा, गुजरात में मैंने किया है, यहाँ नहीं किया है एक्चुअल में, सब डिविजनल ऑफिस के अकाउंट को पीरियडिकली इंस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ डिविजनल ऑफिसर द अकाउंट रिकॉर्ड ऑफ सब डिविजनल ऑफिस टू चेक अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अकाउंट। आप देख रहे हैं कि हर जगह पे उसको चेक करना है, पहले देखा कि डिविजन ऑफिस के अकाउंट को टेस्ट चेक करना है, ठीक है, सब डिविजन ऑफिस के अकाउंट को परसेंटेज चेक करना है। देख रहे हैं आप, कहीं भी आप 100% सेल्फ चेक नहीं समझेंगे। अगर कहीं 100% चेकिंग है तो वो है अंडर हिज ओन सुपरविजन, मतलब कि 100% चेकिंग करनी है पर मैं उसको मैनेज करूंगा, अरेंज करूंगा और मेरे सुपरविजन में 100% चेकिंग होगी, बट मैं जब भी खुद करूंगा वो टेस्ट चेक ही होगा, नहीं तो परसेंटेज चेक होगा। इसीलिए इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्टिव आप पूछे जाए, हाँ बोलिए, और सेंट है, पर का मतलब होता है पर और सेंट का मतलब होता है हंड्रेड, जैसे होता है पर किलोमीटर होता है ना, ऐसे ही पर सेंट हो गया। ठीक है, क्लियर समझ गए? चलिए आगे 8.14 का नेक्स्ट पैराग्राफ, द रिजल्ट ऑफ दिस इंस्पेक्शन शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंटेंट जनरल। आप किसी भी तरह का इंस्पेक्ट करेंगे सब डिविजनल ऑफिस के रिकॉर्ड को, वो हमेशा एजी ऑफिस के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और मजेदार बात है कि एजी ऑफिस जो है इंस्पेक्ट करती है तो वो ऑडिट पार्टी भेज करके करती है, तो ऑडिट पार्टी अपने सारे रिकॉर्ड मंगवा लेती है, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी आपने नोटिस की और आपके ऑब्जेक्शन के बाद में वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सेटल कर ली गई बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई चोरी की बात नहीं है, आपने अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नोटिस की और आपके ऑब्जेक्शन के बाद में वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सेटल कर ली गई है बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, उसके बावजूद भी एजी के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कह रहे ये तो सर मामला सेटल हो गया, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, एजी साहब देख सकते हैं या उनके स्टाफ देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सेटल किया गया है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है। उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों को एक बताया था, एनुअल रिव्यू दिखलाया था, याद है सब लोगों को, टेम्पोररी एडवांस दिखलाया था, याद है? यस सर, यस सर। अब मान लीजिए टेम्पोररी एडवांस किसी के अंदर में 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहा जाएगा ना जी? यस सर। और कल कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर कर दे कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी 2.5 करोड़ का सेटल कर लिया गया है, यदि साहब बोलेंगे लो हमको दिखाओ, आप कह सकते हैं ना जरूरत नहीं है, सेटल हो गया, अब क्या समझ रहे नहीं? सर ऐसा नहीं कर सकते, दिखाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए 8.15 द क्वार्टरली रिकंसिलिएशन ऑफ वर्क्स एक्सपेंडिचर रिसीट विल बी कैरीड विद रेफरेंस टू द वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर। ये एक वर्ड आ गया नया 8.15, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक कोई पढ़िए, द क्वार्टरली रिकंसिलिएशन ऑफ वर्क एक्सपेंडिचर रिसीट्स विल बी कैरीड विद रेफरेंस टू द वर्क अकाउंट समरी रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर ईच डिवीजन व्हिच इन टर्न विल बी गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम द मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीट मेंटेन्ड इन वर्क मिसलेनियस सेक्शन।
बस रुक जाइए, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वह वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर WASR है ना, और ये भी लिखा हुआ है कि फॉर ईच डिवीजन मेंटेन किया जाता है एडी ऑफिस में, ठीक है, और कहां मेंटेन किया जाता है, वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट में, वो भी अगले में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर है ना, ये दरअसल एक रजिस्टर होता था पहले, आज नहीं होता है, आज सारा का सारा बीएलसी में मेंटेन होता है। अगर आप देखना चाहें एडी ऑफिस में जाकर के WM सेक्शन में जाइए, ठीक है, और आपको सब देखने के लिए मिल जाएगा। हर एक डिवीजन का, मान लीजिए कि मेरे पास में 287 डिवीजन है, ठीक है, तो 287 डिवीजन का हर डिवीजन का एक वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर होता है। इतना रजिस्टर मेंटेन करेगा पागल हो जाएगा भैया, रजिस्टर एक फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो एक ही रजिस्टर के 287 पन्नों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, वो पूरे एनुअल का होता है, एक महीने के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं मेजर हेड वाइज इसमें लिख लिए जाते हैं, एक पेज में हो सकता है, अलग अलग पेज भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी वो रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, इसलिए बहुत सारा अंबार रजिस्टरों का नहीं है, वीएलसी में उसकी एंट्री होती है, और आप चाहें तो आराम से एक डिविजन के पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट आराम से निकाल सकते हैं, विच इज कॉल्ड वर्क्स अकाउंट रजिस्टर, ठीक है। मतलब कि एक डिविजन का एक, यही यहाँ कहने की कोशिश की गई है कि रेफरेंस टू द वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर मेंटेन फॉर ईच डिविजन which in turn will be got certified from monthly classified extract of expenditure maintained in works miscellaneous section. तो ये work management नहीं है, works miscellaneous section, ठीक है? तो sir, तो ये works miscellaneous section का मतलब क्या हो गया? WM section, WM fourth floor. Yes sir. गए हैं कभी कि नहीं? गए sir, वहीं पे तो थे. WM section रहती हैं आप? किसमें? WM one में, किसी में? दूसरे में? नहीं, बगल में थे। फॉरेस्ट में थी? आप फॉरेस्ट में थी? नहीं सर। तो लोन में थी? किसमें थी? हम पेंशन में थे। आप पेंशन में थे, ठीक है। तो ये वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन, ठीक है, तो एक होता क्या है कि वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर होता है, ठीक है, जो कि वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट में, रुकिए रुकिएगा रुकिएगा, वर्क्स मिसलेनियस कर देते, ठीक है, वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन, इसको चेंज कर दिया जी, इसको वर्क्स ऑडिट सेक्शन कहा जाता था, ठीक है, ये नया वाला है, आपके पास देख लीजिएगा मैडम ना, उसमें कुछ और लिखा हुआ होगा। नहीं सर, इसमें भी लिखा हुआ है वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन। तो बहुत बढ़िया, चलिए, तो डिपार्टमेंट का नाम है वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट और सेक्शन का नाम है वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन, यानी कि WM सेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि WM सेक्शन में ही वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर भी होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट भी होता है जिसका नाम है मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, ठीक है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, अब इसी का दोनों का जो फिगर है क्वार्टरली रिकंसाइल किया जाता है। द क्वार्टरली रिकंसिलिएशन ऑफ वर्क्स एक्सपेंडिचर रिसीट विल बी कैरीड विद रेफरेंस टू द वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर मेंटेन फॉर ईच डिवीजन व्हिच इन टर्न विल गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ कि मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट से बनता है वर्क्स ऑडिट वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर। पहले मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट होता है, उससे बनता है वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर, और ये जो होता है वो हर 3 महीने में 3 मंथ का बनता है, ठीक है, जिसको कि क्वार्टरली रिकंसाइल किया जाता है किसके साथ में, उस स्टेटमेंट के साथ में जो डिवीजन भेजता है, जो डिवीजन अपना स्टेटमेंट बना के लेके आता है, ठीक है। इन ब्लड आ रहा सर, क्लियर नहीं है, ब्लड आ रहा है, ब्लड तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड के लिए हुआ था, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, तो वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर कितने महीने बनाया जाता है, 3 महीने का, ठीक है, मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट कितने महीने का बनता है, 1 महीने का, इसका 3 महीने का मिला करके ये बनता है, और इसका जो डाटा होता है उससे उस डाटा का जो कि डिविजन से आता है हर क्वार्टरली रिकंसाइल
और ये कहा होता है वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन में. क्लियर. दीज इंस्ट्रक्शंस आर इंटेंडेड प्राइमरी फॉर वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट और वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन के बहुत सारे सेक्शन को मिला करके बनाया जाता है वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट. ठीक है. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट विच आर ब्रॉट टू अकाउंट बाई डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इन द अकाउंट वॉल्यूम 3 एंड द फाइनेंशियल रूल ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द अकाउंटेंट जनरल विद द प्रायर कंकरेंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर इंस्ट्रक्शन इन द सेक्शन टू बी फॉलोड बाय द अदर डिपार्टमेंट और अदर सेक्शन ऑफ द अकाउंट्स ऑफिस इंस्ट्रक्टेड विद द अकाउंटिंग ऑफ वर्क्स मेंशन इन आर्टिकल 4 ऑफ अकाउंट कोड वॉल्यूम 3. ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं. कुल मिला के आपको इसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ उटपटांग आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है. आपको जानने के लिए फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ. क्या जानना है भाई? जानना है आपको कि एक WM सेक्शन होता है जिसको कि वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन कहा जाता है. ठीक है, रुक जाइए, हम लिख देते हैं. देखिए, वर्क्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन 1, वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन 2, वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन 3, वर्क्स मिसलेनियस सेक्शन 4 हमारे यहाँ इतना ही है. ठीक है, ठीक है, ये होता है वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट. इसमें ये सारे सारे सेक्शन के नाम है. क्लियर. इन सेक्शनों में एवरी मंथ मंथ वाइज क्या बनता है भाई? मंथ वाइज बनता है डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट. इसका नाम है मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट. अच्छा, अभी पीसी 21 वाले कितने लोग हैं? ठीक है, आप अभी मार्क कर लीजिए. सुनिए, अभी आप मार्क कर लीजिए ACAG का चैप्टर 9. क्या मार्क करना है आपको? चैप्टर 9. ठीक है, तो आपको तुरंत जैसे क्लास खत्म हो जाए आपको एक बार समझ में आए या ना आए ACAG चैप्टर 9 जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, ठीक है ना? चलिए, अब मंथली क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट बन गया मंथ वाइज. तो मंथ वाइज में हमने कैसे बनाया? तो भाई हमने बना दिया अप्रैल, मई और जून. ठीक है, और 3 महीने का जो ट्रांजेक्शन है उसको लेकर के क्या बनाया? एक बनाया वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर. उसका नाम क्या है? वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर. 3 महीने का मिलाकर क्या बनाया? वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर. क्लियर. और इसी वर्क्स अकाउंट समरी रजिस्टर से हम डिविजनल ऑफिसर के द्वारा जो स्टेटमेंट आता है उसका रिकंसिलेशन करते हैं. यही इसका क्रोनोलॉजी है. आप लोग इसको लिख लीजिए या उतार लीजिए. रुक जाऊं कि मिटा दूं? WM 1 और 2 में तो नहीं होता होगा, 3 और 4 में होता होगा. हाँ, इसमें नहीं होता है 3 और 4 और फिर सो ऑन, आगे भी है लेकिन वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट में 1 और 2 आता है ना. हाँ, वो तो सर एडमिन और बिल्स होता है ना. हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये आता है. सभी एजी इस ऑफिस में इतने ही रहते हैं क्या? 1 2 3 4 तक ही रहते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा जितना बड़ा स्टेट उतना ज्यादा सेक्शन. बिहार में 1 का क्या काम रहता है सर? WM1 का ये डिविजनल अकाउंटेंट का कैडर कंट्रोल एडमिन सेक्शन है. डिविजनल अकाउंटेंट का अच्छा एडमिन सेक्शन हो गया. 2 सर, 2 है कैडर का. अच्छा, 2 है कंट्रोलिंग ऑफ 3 4 5 6 कंट्रोलिंग हो गया. 2 का मतलब ऐसे समझिए, सुनिए हम आपको बहुत सिंपल समझा देते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने डिविजनल अकाउंटेंट के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन किया है तो वो WM1 डील करता है. समझ गए बात? आपका स्टाफ भागा रहता है, आपका स्टाफ ढंग से काम नहीं करता है, आपका स्टाफ को कुछ रूल का नॉलेज नहीं है, समझे, आपका स्टाफ जो है वो झगड़ा करता है, मिसबिहेव करता है, कौन एक्शन लेगा? WM1. अब मान लीजिए कि डिविजनल अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करता है, उसने अकाउंट सही से नहीं चेक किया, फलाना रजिस्टर उसने मेंटेन नहीं किया, समझे कि नहीं, उसने अकाउंट मैटर में रूल को फॉलो नहीं किया,
तो जो एजी का सलाह लेगा वो सलाह किस सेक्शन के माध्यम से लेगा? यहाँ पे जो लिख रहा है कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अकाउंटेंट जनरल की सलाह ले सकता है, तो वो लेटर किसको एड्रेस करके लिखता है? समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? WM2 का मतलब हो गया कि सभी नियमों का ज्ञाता। समझे? जो है वो बाकी मुझे मुझे एक अननोन पर्सन से नॉलेजेबल किस सेक्शन ने बनाया? WM2 ने। समझे? चलिए 8.17 भी वही बात कहता है, पढ़िए तो कोई 8.17, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वर्क अकाउंट डिपार्टमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ईच हेडेड बाय अ सेक्शन ऑफिसर। द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चेकिंग एंड कंपाइलिंग द अकाउंट ऑफ पब्लिक वर्क इरिगेशन डिवीजन एंड अदर वर्क कनेक्टेड देयर विद रेस्ट विद द क्लर्क अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट। बस रुक जाइए, एक्चुअल अब रुक जाइए। वर्क्स अकाउंट डिपार्टमेंट जो है सेक्शन में डिवाइड किया गया है ना, और सेक्शन में वो अकाउंटेंट रहेगा, सीनियर अकाउंटेंट रहेगा, डबल ए रहेगा, हालांकि यहाँ सेक्शन ऑफिसर लिखा हुआ है पर आजकल तो सेक्शन ऑफिसर रहता नहीं है। समझे? तो अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा? समझे? तो आप सेक्शन ऑफिसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो सुन लीजिए, देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए डबल एओ ठीक है इज एसओ माने सेक्शन ऑफिसर, सीनियर एओ इज बीओ माने ब्रांच ऑफिसर, डीएजी माने ग्रुप ऑफिसर, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? बोलिए हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ आगे सर आगे। हाँ सर समझ गए। माने सेक्शन ऑफिसर का मतलब ही डबल ए हो, ब्रांच ऑफिसर का मतलब सीनियर ए हो, ग्रुप ऑफिसर का मतलब डीएजी। सर जो WM2 में काम कर लेगा उसको काफी जानकारी हो जाएगी। नहीं बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन WM2 में काम करिएगा तो डीएजी से इतना झाड़ पड़ेगा ना। काहे झाड़ पड़ेगा जानते हैं कि आपको कुछ आता है नहीं, आपकी पोस्टिंग होगी WM2 में जहां पूरे राज्य सरकार के लोग आपसे राय मांग रहे हैं और आप बिना राय दिए आप कोई फाइल बढ़ा नहीं सकते। अब आप रिकमेंड कीजिए तो शुरुआत में तो राय बोके जैसा दीजिएगा ना। शुरुआत में तो ऐसे ही तो बस ले जाइए चालू। ऐसा नहीं है सर, देंगे आप है ना सर। रिकॉन्सिलिएशन करने में अगर गलती कर देगा सर तो उसका डीएजी की तरफ से मेमो मिलता है सर। बिल्कुल मिलता है, प्यार से मिलता है। हमको तो पिछले 3 साल से पेंशन में काम करा रहा है, यहाँ अकाउंट्स और इसमें काम करने का कभी लगता है कि वही एग्जाम तक रखेगा। चलिए आगे बढ़े ठीक है। कंपाइलेशन जो है बीएलसी बीएलसी जो वही है क्या सर? बोले कंपाइलेशन और चेकिंग जो होता है वो बीएलसी का जो काम होता है वही है ना सर? नहीं, बीएलसी का जो काम है ना वो कंपाइलेशन नहीं है, मंथली वर्क एब्स्ट्रैक्ट बनाने का काम है जो आपने भी देखा, मंथली वर्क एब्स्ट्रैक्ट ये BLC ही बनाता है। अभी आपने नहीं पढ़ा था वही तो सर। अकाउंट्स में पेंशन का इतना मतलब वर्क पार्टिसिपेशन है लेकिन उसका कोई एग्जाम में कुछ है ही नहीं, मतलब 2% टाइप होगा, 1-2% वही कैम वाला जो आता है। और वहाँ जानकारी अच्छी हो जाती है पेंशन के बारे में लेकिन कुछ है ही नहीं उसका एग्जाम में, कुछ वेटेज ही नहीं, इसलिए तो मैंने टच नहीं किया ना। आप सर यही रहने देते हैं सर? हाँ यही रहने दें। नहीं नहीं थोड़ा सा और देख लेते, 16 तक बोले नहीं 17 हो गया। 17 तक पहुंच गए, 17 तक पहुंच गए हम लोग, 17 हो गए तो क्या ठीक है सर। फिर आज यही एंड करते हैं ठीक है सर। चलिए